हेलो दोस्तों, नौकरी के रेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको आरआरबी, एनटीपीसी, एलएपी, एसएससी, पुलिस और अदर गवर्नमेंट एग्जाम में होने वाले मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करूंगा। दोस्तों सारे डॉट्स क्लियर कर दूंगा दोस्तों आज के वीडियो में। दोस्तों तो हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये मेडिकल स्टैंडर्ड में एनटीपीसी का लिया हूँ दोस्तों, स्क्रीन शॉट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में दिया गया है, कौन कौन सा टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको नाइट विजन टेस्ट होगा और बायनोकुलर टेस्ट वगैरह होगा और क्या किस तरह से होगा सारे डिटेल्स में बताऊंगा दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं विजन टेस्ट के बारे में बात करता हूं दोस्तों, किस तरह से विजन टेस्ट होता है। यहां आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको यहां पे एक शीट रखा जाएगा, यहां पे आपको देख देख के पढ़ना है दोस्तों। मैं इसको अच्छे से क्लियर कर दूंगा दोस्तों। यहाँ पे आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों चेक किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ फोटो इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे किस तरह से मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब देखा जाता है, किस तरह से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे ऊपर वाला पढ़ लेते हैं, ऊपर वाला सब पढ़ लेता है, 6x60 आता है उसको बोला जाता है। उसके नीचे वाला 6x36, उसके नीचे वाला 6x24 बोल सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे वाला ये 2750 वाला 6x18 मान सकते हैं। उसके नीचे वाला 6x12 और उसके नीचे वाला 6x9 और सबसे नीचे तक अगर पढ़ लेते हैं तो 6x6A1 स्टैंडर्ड माना जाता है। 6x6A1 स्टैंडर्ड और 6x9A2 और A3 दोनों स्टैंडर्ड माना जाता है। ये थोड़ा क्लियर कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे का कन्फ्यूजन है। A2 आप चश्मा बिना चश्मा लगा के अगर देखते हैं तो A2 माना जाएगा और चश्मा लगा के देखते हैं तो A3 माना जाएगा, और बिना चश्मा लगा के अगर देखते हैं तो B2 माना जाएगा और चश्मा लगा के देखते हैं C2 माना जाएगा। और उस मेडिकल स्टैंडर्ड को 6x12 माना जाता है दोस्तों। तो सेकंड में कलर विजन टेस्ट के बारे में बात करते हैं। कलर विजन टेस्ट में आपको इस तरह से सीट दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ लिखा जाएगा, लिखा हुआ रहेगा, उसको देख के पढ़ना है। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस तरह से बहुत सारे 10-15 सीट दिया जाएगा, तो सबको देख देख के पढ़ना है। तो अगर इस तरह से सबको पास करना जरूरी है। उसके बाद तीसरा में स्लिट लैम्प एग्जाम होता है। इमेज के द्वारा मैं समझा देता हूँ कि इस तरह से यहाँ पे आपको गर्दन झुका के अंदर करके यहाँ पे आपको देखा जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइट निकलता है दोस्तों, अगर आप आई से रिलेटेड अगर कहीं डॉक्टर से दिखाएंगे तो इस तरह से किया गया होगा आपका इलाज वगैरह, इस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे इसकी लिया जाता है, इस तरह से चेक किया जाता है। यहाँ पे फोंडोस्कोपी टेस्ट चौथे नंबर पे देख सकते हैं। यहाँ पे डॉक्टर अक्सर क्या करते हैं, एक लेंस लेते हैं और लेंस के द्वारा आपके आंखों की रेटिना की जांच करते हैं कि आपकी रेटिना सही है या नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह से चेक करते हैं डॉक्टर। अब उसके बाद पाँचवें नंबर नाइट विजन टेस्ट वगैरह करते हैं। इसमें आपको एक अंधेरे में बैठा दिया जाएगा, वहाँ पे एक इमेज दिखाया जाएगा। तो इमेज वगैरह को देख के पहचानना होता है या फिर कुछ पढ़ने के लिए दिया जाएगा अंधेरे में, जाके ट्रेन वगैरह आता है तो उसको अंधेरे में देखना पड़ता है, इसलिए इस तरह का टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद छठे नंबर पे फील्ड विजन टेस्ट। इसमें डॉक्टर और मरीज एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं और डॉक्टर अपनी एक आंख को बंद कर लेता है और मरीज को भी एक आंख को बंद करने के लिए बोलता है। और उसके बाद दोनों एक दूसरे की आँख को देखते हैं और डॉक्टर बोलते हैं अगर आपको दर्द होगा तो उस समय बताना। अगर दोनों को इस तरह से एक साथ में दर्द होता है तो डॉक्टर मानते हैं कि ये फील्ड विजन टेस्ट पास हो गए हैं। इस तरह से चेक किया जाता है दोस्तों। तो अगर दोस्तों अगर आपको आँख से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप कुछ फूड्स वगैरह खा के ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो उस फूड्स का नाम वगैरह मैं यहाँ बता दिया हूँ दोस्तों, एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है दोस्तों। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कौन कौन सा फल खाना चाहिए, गाजर वगैरह, अंडा वगैरह खाना चाहिए। तो सारे डिटेल्स में बताया हूँ दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि इस प्रकार की रेगुलर वीडियो आपको समय पे मिलता रहेगा दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो जय हिंद।